अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डाटा बाइंडिंग वीडियो ट्यूटोरियल सी शार्प के साथ आज हम पार्ट टू में एग्जांपल में ही जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप अपनी एप्लीकेशन जो हम खोल के बैठे हुए थे यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाए, अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी सबसे पहले उसी XAML पार्ट पे। आप आएंगे मेन पेज XAML पे जो आपने बनाया था, मेन पेज डॉट XAML। अब उसके अंदर आपने ये पांच चीजें ली हैं, छह चीजें ली हैं या जितनी भी ली हैं, वो आपने उन्हीं को उन्हीं नेम के साथ आपने यहाँ डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पे मेन पेज डॉट XAML, आपने यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम, ग्रेड कॉलम इज इक्वल टू जीरो और ग्रेड डॉट रो इज इक्वल टू जीरो। ये जितने आपने बनाए हैं आपने उनको जहां जहां डिस्प्ले करवाना है आप उनके साथ साथ आप उसकी ब्लॉकिंग करेंगे। यानी ये ग्रेड डॉट रो डेफिनेशन आपकी आ गई। अब आपने टेक्स्ट ब्लॉक लेना है यहाँ पे। आप रेडियो बटन भी ले सकेंगे इंशाल्लाह, बाकी सारी चीजें भी, ताकि उसके साथ में आप मैनेज कर सकें। टेक्स्ट ब्लॉक जी, नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। प्रोडक्ट यहाँ स्पेस दे सकते हैं, यही चीज आपने याद रखनी है कि डबल कोट्स के अंदर आप स्पेस दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट नेम, और इसी तरीके से आपने उसका कॉलम बताना है कि कॉलम कौन सा था, ग्रेड डॉट कॉलम जीरो और रो जीरो, यानी पहली रो जीरो और कॉलम जीरो के ऊपर आएगा। ये वो चीज होगी जो आपकी डिस्प्ले होगी। डॉट कॉलम इज इक्वल टू जीरो पहला कॉलम, और ग्रिड डॉट रो इज इक्वल टू जीरो। ये तो वो चीज होगी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, नेम, प्रोडक्ट नेम। लेकिन नेम आना कहां से, उसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स ब्लॉक बनाना है आपने, टेक्स्ट ब्लॉक। और इसका नेम आपने जिस तरह मैंने यहां पे दिया हुआ है, आपने इसका ग्रेड डॉट कॉलम वन नेम देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने टेक्स्ट लिखना है। अभी मैं सिर्फ इसको बना रहा हूं, टेक्स्ट कॉलम वन और ग्रेड रो इज इक्वल टू जीरो। डॉट कॉलम वन ग्रेड डॉट रो इज इक्वल टू जीरो। कॉलम का पार्ट मैंने छोड़ दिया, जो आगे ये लिखा हुआ आ रहा है ना, टेक्स्ट इज इक्वल टू बाइंडिंग नेम, ये आपने अभी नहीं लिखना। इसी तरीके से आप बाकी चीजें इसी तरह से, चार कॉलम हमने चार बनाए हैं, पांच बनाए, तो आप इसी तरीके से पांच दफा इन्हीं दो चीजों को इस्तेमाल कर लें, कॉपी कर लें। इसको पांच दफा आपने लिखना है, जितने आपने लिए हुए उन सबको उतनी दफा आपने लेना है। हैं, तुमने सेवन लिए थे तो 14 दफा लिखोगे। जी, अब सिर्फ आपने पहले डिसाइड करना है प्रोडक्ट नेम। अब जैसे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं, प्रोडक्ट कैटेगरी, कॉलम कौन सा होगा, जो पहले आता है ना वो होता है ग्रेड डॉट कॉलम जीरो, रो कितनी होगी, अब दूसरा आ रहा है ना वन और जीरो, वन और वन, रो भी चेंज होनी, कॉलम भी चेंज होना। अब आएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आएगा कॉलम नंबर टू, रो नंबर जीरो, और फिर अगली जो वैल्यू आएंगी टू एंड वन, इस तरह से देंगे। प्रोडक्ट प्राइस कॉलम थ्री,
जीरो थ्री एंड वन। आई थॉट सो, बाद में कोई तब्दीली होगी तो देख लेंगे। प्रोडक्ट नेम, इमेज आ चुका हुआ है पर, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्या था, कैटेगरी हो गई डिस्काउंट, इसका चार हो गए और चार का वन। बहरहाल मेरा और तो नहीं दिया था मैंने, प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी चीजें दी थी जाके देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्राइस डिस्काउंट ठीक हो गया ना, दो दो चार पांच छ। प्रोडक्ट नेम नहीं दिया, कैटेगरी प्राइस डिस्काउंट एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट प्राइस डिस्क्रिप्शन यहां से गलत कर गया ना, इसलिए हाँ वो जीरो से स्टार्ट हुआ ना, कॉलम जीरो से, ठीक है तो आखिरी हम हटा देते हैं जी। ये मेरा कंप्लीट हो गया जी। अब एक काम हमारा और रहता है, वो है जी आपने मेन पेज डॉट xaml के अंदर डॉट xaml डॉट cs पे क्लिक करना है, मेन पेज डॉट xaml डॉट cs पे। अब इसमें भी सबसे पहले आपने उसी तरीके से यूजिंग करना है, आपकी फाइल का नाम क्या है, प्रोडक्ट पहले भी आ गई डॉट मॉडल, आपने इस तरह से कर लिया। अगर आपको दोनों चाहिए, जाहिर सी बात है कि आपने डाटा बाइंडिंग की है, तो जिस तरह से मेन पेज डॉट xaml है आप देखेंगे कि ये मैंने दोनों लिए हैं। जाहिर है हमने दो फाइल अलग अलग रखी थी पैकेजेस में, तो आपने दोनों को अलग अलग यहाँ पे ऐड करवाना है। एक आपने मॉडल ऐड करवा लिया, अब आपने यूजिंग प्रोडक्ट्स लिस्टिंग डॉट मॉडल व्यू दोनों को ऐड करवाया। जब आप ये कर लेंगे, अब आप आ जाएंगे मेन पेज जो इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट है। जब आपका कंप्यूटर चलेगा, उसकी लोडिंग होगी, तो सबसे पहले जो वैल्यूज आपने लोड करनी है वो इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट के अंदर लोड करनी है। अब इसकी कोडिंग हम करेंगे जी, जो हमने इसके साथ किया हुआ है वर्किंग, अब हम उसके साथ वैल्यूज बेसिकली एंटर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब हम डाटा बेस के साथ इसमें चले जाएंगे, तो इसी जगह पे हम फिर खुद बाद हाथ से देने की बजाय वैल्यू डाटा बेस से मुंतकिल करेंगे। डाटा बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी, उस वक्त हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि डाटा बाइंडिंग कैसे करनी। पहले कंट्रोल बनाना मकसद था, डिजाइन कंप्लीट हो गया, डिजाइन बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम था, xaml में डिजाइन बनता है, cs में कोडिंग होती है, और बाइंडिंग उन उसके आपस में जोड़ने के प्रोसेस का नाम है। आ जाए जी, एक आपने उसी तरह से मेन मॉडल व्यू, मेन मॉडल व्यू क्या था जी, क्लास कौन सी, प्रोडक्ट की आपने बनाई है ना, वो फंक्शन नहीं बनाया था अभी हमने, ये नाम आपने रखा हुआ है क्लास का, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए। ये काम किसके पीछे करना, मेन पेज डॉट xaml के पीछे। मेन मॉडल व्यू आ गया, इसका कोई वेरिएबल नेम दे दें, मैंने mvm दिया इज इक्वल टू न्यू मेन मॉडल व्यू। जनाब ये आपने कर लिया, ये लाइन आप लिखें, ऑब्जेक्ट बनाएं बनाएं ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। मैंने ये दिया हुआ चार लाइन की कोडिंग, मैं टाइम सेविंग के लिए इसको बचा के लेके आ रहा हूं। mvm डॉट प्रोडक्ट्स, मैंने तो इसमें क्या बनाई थी, प्रोडक्ट, इसलिए एरर आ रहा है यहां पे। प्रोडक्ट सबके अंदर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आना चाहिए, जैसे ही आप वो देंगे mvm mvm डॉट प्रोडक्ट, देखें प्रोडक्ट प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट्स कैसे आ रहा है, ये हमने कौन सा, ये मैंने मेन मॉडल व्यू में ये प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, नजर आ रहा है आपको,
इस वजह से ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जी। डॉट, अब सिस्टम समझ रहे हैं कि आप कैसे, अब कलेक्शन क्लास है, इसमें आपने जब एलिमेंट ऐड करने होते हैं ना, तो आपने प्रोसेस करना है ऐड का, और जितने भी आपने एलिमेंट ऐड करने हैं वो आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। डॉट ऐड, आगे आपने फिर एक ब्रैकेट शुरू हो जानी, न्यू, और कलेक्शन क्लास है वंस अगेन, किसका आपने करना है, प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट, ये फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब गेट और सेट की वैल्यू स्टार्ट हुई, आपने क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है ना, ये सारी लिस्ट आउट हो रहे हैं ना अपने आप के, नहीं जी, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम ये नहीं लिख देना जो मैंने लिखा हुआ है, आप करें जी लैपटॉप क्या है, डेल का नहीं, डेल नंबर क्या है, D16 है, चलें जी आगे, कॉमा डालें, आप देखेंगे कम हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी, जो जो सिलेक्ट करते जाएंगे वो निकलता जाएगा, आप इसको लैपटॉप कंप्यूटर कर लें, कंप्यूटर इसकी कैटेगरी, क्यों कल को आपने नेविगेशन इसी की बेस पे करनी है। अब आपकी क्या आएगी जी, फिर क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू दिस कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट कंप्यूटर, कुछ भी लिख दें क्या फर्क पड़ता है, कॉमा, अगली है जी प्रोडक्ट प्राइस जी, जहां आपने फ्लोट लिया हुआ है ना वहां डबल कोट्स नहीं करने, जहां आपने स्ट्रिंग लिया है वहां पे डबल कोट्स करने, इसकी प्राइस क्या होगी, 78,300 जितनी भी, ज्यादा दे दिए ठीक है जी, आगे दें जी कॉमा डाल के, प्रोडक्ट इम डिस्काउंट, इसकी डिस्काउंट है जी 5%, आगे आखिर में प्रोडक्ट इमेज इज इक्वल टू डबल कोट्स कर दें और ये सेमी कॉलन लगा दें, ये मैं सारा हटा रहा हूं, एक बना लिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी। अब इसी तरीके से आपने मेन पेज डॉट जैमल के पीछे इसी की कॉपी कर लें या नहीं ऐड कर लें, ये मैं 4-5 प्रोडक्ट्स जितनी भी आपने देना चाहते हैं, 6 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट्स, वो सारी आपने अभी ऐड करनी, ये मैंने जी 5 प्रोडक्ट्स या 6 प्रोडक्ट्स जो है वो दे दी, सिर्फ आपने इनकी तब्दीली करनी है, जैसे कि मोबाइल है तो यहाँ पे मैं इसको सैमसंग मोबाइल कर रहा हूँ, सैमसंग मोबाइल कौन सा नंबर है, कोई नंबर होना चाहिए हैं, S3 सैमसंग S3, और इस तरह से HTC डिजायर और नोकिया ल्यूमिया 5460, और फॉर एग्जांपल HP कंप्यूटर HP CSEV1, और फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, तो शिबा टेलीविजन कर ले। अब आप प्रोडक्ट कैटेगरी में इसी तरीके से आप आए, हर एक की वैल्यू चेंज करें क्योंकि ये डिस्प्ले होनी है, मोबाइल 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 एंड आखिर में आपकी आ जाएगी टेलीविजन, आपने जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देनी है वो दे दें, ग्रेट मोबाइल फॉर ग्रेट पीपल समथिंग लाइक दिस, बेस्ट प्राइस मोबाइल मोबाइल विद ग्रेट लुक एंड प्राइस, डुअल कोर फॉर डुअल कोर इंटेल प्रोसेसर,
डी इसमें स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी कर लेते हैं, स्मार्ट टीवी कॉल भी। अच्छा इनकी प्राइसेस कर दें ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए। आखिरी स्टेप देखते हैं, डिस्काउंट हो गए जी 15%, किसी की आपने 4%, किसी की 3%, वो जो आपने दे दी। अब आ जाते हैं जी इमेज के ऊपर। आपने जी इमेज जो है वो डाउनलोड की हुई है, मैंने तो डाउनलोड की हुई है, मैं आप डाउनलोड तस्वीरें समझ लें कि आपने गूगल से आपने कर ली है, मेरे पास डाउनलोड्स में पड़ी हैं तस्वीरें, डाउनलोड इमेजेस। अब सबसे पहले देखते हैं कि उनको इमेजेस को हमने लेके कैसे आना है। डाउनलोड्स इमेजेस, अब इस इमेजेस में डाउनलोड इमेजेस में मेरे पास आ गई। लेट्स को ये मोबाइल पड़ा हुआ है, आपने एसेट्स की जगह पे आना है। देखिए एसेट्स में सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ रही होती है, आपने उठा के इस जगह पे एसेट फेंक देना ऐसे करके। देखिए तस्वीर आ गई मोबाइल वन, इस तरह से मोबाइल टू, लेट्स सपोज मोबाइल, नेक्स्ट कोई मोबाइल है मोबाइल थ्री। गूगल से आप सर्च आउट कर सकते हैं, एक लैपटॉप ले लें, लैपटॉप इमेजेस, इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। स्टेप से जो चले डेटा बाइंडिंग आपने कैसे करें, एक इमेज ले लें, सेव इमेज एज, इसका नाम लैपटॉप वन, और एक ये ले लेते हैं लैपटॉप टू, और एक टेलीविजन ले लें स्मार्ट टीवी। सेव इमेज एज टीवी वन। अच्छा जी अब आ जाए, इसी तरह आपने अपनी जो है उनको आपने यहाँ पे एसेट्स में रख दे जाना है। जब आपके सारे इमेजेस आ जाएं, अब आपने प्रोडक्ट के अंदर आके जहां पे इमेज दिया हुआ है सबसे पहले आपने फोल्डर का नाम देना है एसेट्स, फिर बैक स्लैश, और फिर लैपटॉप जो भी आपने नाम रखा हुआ है लैपटॉप वन डॉट जेपीजी। इस तरह से दूसरा देना है एसेट्स, ये कौन सा मोबाइल था, मोबाइल वन डॉट जेपीजी, मैं कॉपी कर लेता हूं। मोबाइल टू डॉट जेपीजी, और ये मोबाइल थ्री डॉट जेपीजी, मोबाइल टू है इमेज नहीं आना था। ठीक हो गया, अब यहाँ पे प्रोडक्ट है कंप्यूटर, तो लैपटॉप टू कर लें, लैपटॉप टू, और आखिर में टीवी है तो टीवी वन। ये हमारा तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो गया, इमेजेस हमने कर ली, नाम दे दिए, हमने इंटरफेस बना लिया। अब हम आते हैं जी असल काम डाटा बाइंडिंग की तरफ। आप लोगों ने आना जी मेन पेज डॉट जैमल पे। अब इसको जरा तवज्जो से देख लें, आपने क्लिक करना है ये पेज पे। आप इस वक्त इसकी प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज कहाँ गई, ये प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे नजर आना चाहिए आपको कि इसका प्रॉपर्टीज के पेज पे आप हैं। ये पेज
आपने यहां डाटा कंटेक्स्ट पे क्लिक करना है, न्यू। अच्छा, इससे करने से पहले एक सेकंड, इसके इस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। आपने क्या करना है, यहां पे आप अभी करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे चीजों, लेकिन आपको इसके अंदर जो आपने अभी दो क्लासेस बनाई है वो नजर नहीं है, इसलिए पहले आपने ये काम करना है। ये जो टिप है असल इंपॉर्टेंट यही है, आपने इस बार बिल्ड करवाना है, बिल्ड सॉल्यूशन, एक दफा क्लिक करना है बिल्ड सॉल्यूशन पे, ताकि आपने जितनी क्लासेस बनाई है ना वो आपकी इस डाटा बाइंडिंग में नजर आनी चाहिए। अभी करेंगे वो नजर नहीं आएगी क्योंकि आपने बिल्ड नहीं किया होगा। जब ये बिल्ड हो जाए, अब आपने यहां पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे अब इसको डाटा कंटेक्स्ट करके देखिए। अब आप देखेंगे तो यहां पे एक लिस्ट है, पूरी बहुत लंबी लिस्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट सारी। अब आप देखते जाएं ये सिस्टम कंपोनेंट जो आपने डाले, आप देखें कि आपने किस नाम से अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है उस नाम से आ रहा है। आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? ये नाम है प्रोडक्ट, बिल्ड नहीं हुआ। जी जो आपने अभी किया है ना, मॉडल ये आ रहा है ना, अब आ रहा है। ये देखें प्रोडक्ट यूजिंग लिस्ट बाइंडिंग, इसमें ये दोनों आ रहे हैं, ऊपर मैंने मॉडल भी दे दिया था प्रोडक्ट। ये बिल्ड करने के बाद आपके आ गया प्रोडक्ट यूजिंग लिस्ट बाइंडिंग, अगर आपके सामने नजर आ रहा है। अब इसमें दोनों क्लासेस आ रही हैं आपकी, इंप्लाई और प्रोडक्ट की। ये पेज आपने किसके लिए बनाया है? प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने के लिए। अगर आपने इंप्लाई का करना है तो इंप्लाई के साथ आपने करना है, जिसके साथ आपने बाइंडिंग देनी है ना उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। बस आप देखेंगे कि ये एक लिस्ट इस तरह से ऐड कर देगा, XMLNS मॉडल यूजिंग प्रोडक्ट यूजिंग लिस्ट बाइंडिंग डॉट मॉडल। ये क्लियर है? अब पहले आपने कनेक्टिविटी देनी है पूरे पेज की क्लास के साथ, किस तरह देनी? पेज आपका पूरा उसके साथ कनेक्ट हो गया, एक पेज पे भी आप पांच भी शो कर सकते हैं, लेकिन आपने इसी तरह से बारी बारी सबको देना। अब सबसे पहले आप नीचे आ जाएं, लिस्ट के अंदर आपने सबसे पहले आपने लिस्ट बॉक्स बनाई थी ना, लिस्ट बॉक्स पे आप आए, क्लिक करें और इसके अंदर आपने आइटम सोर्स नजर आ रहा है, जो मैंने आपसे कहा था कि जी आप थोड़ी सी चीजें छोड़ दें। आप आइटम सोर्स पे करेंगे क्रिएट डाटा बाइंडिंग, क्रिएट डाटा बाइंडिंग लफ्ज नजर आ रहा है। आप क्रिएट डाटा बाइंडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्योंकि पेज दिया हुआ था ना आपने, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपकी सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगी कि जिसके साथ आपने करना है। जिस तरह से हमने इसके अंदर देखा है, आपने डाटा बाइंडिंग के अंदर मेन पेज डॉट XAML, इसमें हमने सबसे पहले ऊपर देखा था ना कि लिस्ट व्यू हमने किया था, तो हमने इसके अंदर किसके साथ देना है इसका ताल्लुक? प्रोडक्ट्स के साथ देना है। तो आ जाएं,
आइटम सोर्स, आइटम सोर्स के अंदर आपको प्रोडक्ट नजर आती है। आप हाथ से भी दे सकते हैं। बाइंडिंग कई मिस्टेक मॉडल प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूजिंग थोड़ा सा मैसेज यहाँ पे इसको यहाँ से ये वाला इसको वंस अगेन इस पे आए प्रॉपर्टीज पे इसको थोड़ा चेंज करना है जी। मेन व्यू मॉडल रखना है ताकि वो आ सके। आपका कहाँ गया, फंक्शन से करना था, क्लास के साथ दो थी ना हमारी, मेन मॉडल व्यू के साथ करना था। जी ये मेन मॉडल व्यू के साथ कनेक्ट करें। जी मॉडल व्यू के साथ कनेक्ट होने के बाद जब आप बाइंडिंग पे आएंगे वंस अगेन प्रॉपर्टीज, तो अब हम बेहतर जगह पे पहुंचेंगे। डाटा कंटेक्स्ट पे करें इसकी प्रॉपर्टीज पे, डाटा कंटेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब आप आएंगे आइटम्स पे, आइटम सोर्स पे, क्रिएट डाटा बाइंडिंग पे। अब आपके सामने एक आ रहा होगा प्रोडक्ट, ये लिस्ट के साथ हमने देना था। ओके कर दें, अब आपकी बाइंडिंग सही होगी। अदरवाइज आपकी बाइंडिंग सही नहीं होगी। ये वाला जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ वीडियो से आपको मिलेंगे, ये आपकी वहां से कोडिंग से आपको नहीं समझ आएंगे कि कैसे आपने कनेक्ट करना। कलेक्शन क्लास के साथ आपने जोड़ना है लिस्ट बॉक्स को। जब ये कलेक्शन क्लास से जुड़ जाएगी अब आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब नीचे हमने कौन सा दिया हुआ था, सबसे पहले इमेज दिया हुआ था आपने, इमेज यहाँ इमेज पे क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज पे आए। अब हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है कि जी लिस्ट हमारी प्रोडक्ट्स के साथ करेगी, तो इमेज पे आए। इमेज में आने के बाद डाटा कंटेक्स्ट पे क्लिक करें, सोर्स पे सॉरी, ये सोर्स पे क्लिक करना है, क्रिएट डाटा बाइंडिंग। अब आपका यहाँ पे सारी चीजें आ रही, आपने प्रोडक्ट इमेज के साथ उसका कनेक्ट कर दें, ये बाइंडिंग मुकम्मल हो गई। अब नीचे आपने चार चीजें दी हुई थी टेक्स्ट ब्लॉक्स की, इसमें जो नीचे वाला था हर एक का उसके ऊपर आए। अब इनकी हर एक की सोर्स को इस तरह बाइंड करते जाएं, क्रिएट डाटा बाइंडिंग, प्रोडक्ट नेम, बाइंडिंग मुकम्मल। ऊपर था ना नेम, तो प्रोडक्ट कैटेगरी था, ये आना था भैया ध्यान से कि किसका किसके साथ अटैच करना है आपने। टेक्स्ट सोर्स प्रोडक्ट नेम इसका हमने देना था, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से एक कंट्रोल के साथ एक डाटा बाइंडिंग होगी। आगे क्या, ये क्या है, ये क्यों मेरा इस तरह आ रहा है, पहले प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया। अब ये नेक्स्ट आपका आएगा, इसको मैं चाह रहा हूं कैसा, ये पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। डाटा बाइंडिंग, अच्छा जी इसके अंदर आपने क्लास भी कौन सा आ गया, हाँ जी ये
इसका आपने क्या देना, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्रिएट डाटा बाइंडिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आखिरी के साथ दें जी प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, द लास्ट वन जी आपके साथ प्रोडक्ट डिस्काउंट। ओके जी, अब आप इसको लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट कर दें, आपके सामने आपका काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। डाटा बाइंडिंग का ये लंबा सारा प्रोसेस जो है वो अपने खत्म को पहुंचे जी। इसमें एरर ये है कि इसको एक्स नेम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ नेम की जरूरत थी, नेम बाकी हटा दें। अब इसको लोकल मशीन पे रन करें, बजी आपका ये व्यू कर गए, आपकी सारी सारी डिस्प्ले कर दी वैल्यूज लाइक दिस। बाकी थोड़ी सी मेहनत खुद कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड